रात्रि क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968। द नाइट क्लास डेटेड 6 जनवरी 1968 वॉज बींग नरेटेड। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। द टॉपिक बींग डिस्कस्ड इन द मिडल ऑफ द सेकेंड पेज वॉज कि स्वर्ग में तो शेर बकरी भी इकट्ठे पानी पीते हैं। इवन अ लायन एंड अ गोट ड्रिंक वॉटर टूगेदर इन हेवन। यहाँ तो ज्ञान जल की बात है। हियर इट इज सर्टनली अबाउट द वॉटर ऑफ नॉलेज। तो ये सीखना है ना। सो यू हैव टू लर्न दिस हैवंट यू। क्या वॉट क्या वॉट एक शेर और एक बकरी। वन इज अ लायन एंड द अदर इज अ गोट। बेहद का शेर बेहद की बकरी। इट इज द अनलिमिटेड लायन एंड द अनलिमिटेड गोट। कौन है हु आर दे। दोनों इकट्ठे एक घाट पानी पिए। बोथ शुड ड्रिंक वॉटर टूगेदर एट द सेम रिवर बैंक। कोई है। इज देयर एनीवन लाइक दिस। कौन है हु आर दे। लिखो एक एक अक्षर में झट से लिखो दो। राइट इट डाउन राइट डाउन ईच सिलेबल क्विकली। है आदि लक्ष्मी आदि नारायण। अच्छा वो शेर है नारायण। स्टूडेंट रिप्लाइज आदि लक्ष्मी एंड आदि नारायण। अच्छा इज नारायण द लायन। नारायण स्वर्ग में शेर का काम करेगा। विल नारायण परफॉर्म द टास्क ऑफ अ लायन इन द गोल्डन एज। अरे शेर तो संसार रूपी जंगल में सबको खा सकता है। अरे द लायन कैन ईट एवरीवन इन द जंगल लाइक वर्ल्ड। और एक एक करके सबको वो बेहद का शेर खा भी जाएगा। एंड दैट अनलिमिटेड लायन विल ऑल्सो ईट एवरीवन वन बाय वन। नहीं राम तड़गी नहीं। नो स्टूडेंट कमेंटेड राम हद तेरे की नहीं। मीनिंग एन एक्सप्रेशन ऑफ एनॉयंस। है राम तमो प्रधान बना पड़ा है कि शेर हो गया। हैज राम बिकम तमो प्रधान और हैज ही बिकम अ लायन। पत्थर बुद्धि है। इज ही द वन विद अ स्टोन लाइक इंटेलेक्ट। पत्थर बुद्धि नहीं है। Isn't he the one with a stone like intellect? चला और जो भक्ति मार्ग में बोलते हैं। All right then. They say in the path of bhakti. हाँ? क्या बोलते हैं? What do they say? राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आँखों के अंधे। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आँखों के अंधे। Meaning, the devotees of Ram and the followers of Rahim. All of them are blind. अभी संगम युग में भी राम के भगत बन के रहना है। Do you want to be the devotee of Ram even in the confluence age? रहना है। Do you want to? है? राम के भगत बन के रहना शिव नहीं। Do you want to be the devotee of Ram not of Shiv? शिव को उड़ा दो भगा यहाँ से। Remove Shiv. Chase him away from here. रिटायरमेंट लेके घर में बैठ गया। घर में से भी भगाओ निकालो। He took retirement and sat at home. Chase him out of the house as well. Remove him. ऐसे? Is it so? है? अरे भाई पुरुषोत्तम संगम युग में सारी महिमा किसे की है? कौन सी आत्मा की? अरे ब्रदर हुज इज द एंटायर प्रेज इन द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज विच सोल? हाँ शिव बाबा की महिमा है। स्टूडेंट रिप्लाइज Yes, it is the praise of Shiv Baba. दोनों एक ही शरीर में है। एक ही शरीर में तो हैं, लेकिन पार्ट कौन सा बजा रहे हैं? बकरी का? Both are in the same body. They are in fact in the same body. But what part are they playing? Is it of a goat? कौन है तेरी? He is saying, who is it? बटम बटा बताओ बटुआ बकरी कौन है? Tell me बटुआ Who is the goat? Batawa means a term of India meant used for a child. Adi Lakshmi. Student replies, Yes, Adi Lakshmi. ठीक है. It is correct. Adi Lakshmi है. It is Adi Lakshmi. उसको शेर नहीं थोड़ा ही कहेंगे बाबा का. बाबा ने बोला हुआ बाबा की बात थोड़ा ही काट सकते. She won't be called a lioness. Baba has said it. We can't cut Baba's words. क्या बोला मुरली? What is said in the मुरली?
त्रिमूर्ति में वास्तव में एक है शेर और एक है बकरी। इन रियलिटी इन द त्रिमूर्ति देयर इज अ लायन, अनदर वन इज अ गोट। शेर नहीं लायनेस जिसने कान पकड़ लिया जो सुनाई देता है बस उसी के अंडर अंडर द कंट्रोल हो जाती है। Whoever holds her ear and narrates something to her, that's all. She goes under his very control. हाँ तो एक है बकरी लटकते हुए कान वाली। Yes, so one is a goat with drooping ears. कान खड़े होके सुनती है मुरली की बातें या कान लटके हुए हैं? Does she listen to the murli keeping her ears erect or are her ears drooping? कान लटके हुए माने कान लटक गए तो छेद बंद हो गया, कान का छेद बंद हो गया कि खुला रहेगा। Her ears are drooping. It means if the ears are drooping, did the ears close? Did the opening of the ears close? Or will it remain open? बंद हो गया, फाटक लग गया। It closed. The gate closed. तो ये यहाँ सीखना है। So you have to learn it here. अफ्रीका जैसे देश में। In a country like Africa, हाँ किसके अंडर दी कंट्रोल चल रही है? Yes, under whose control is she working? है? अरे किसने भेजा अफ्रीका में? अरे who sent her to Africa? अफ्रीका में कोई भेजने वाला डायरेक्शन देने वाला थे कि नहीं? कौन थी? ब्रह्मा बाबा थे? Was there someone to send her to Africa to give her the direction or not? Who was it? Was it Brahma Baba? कुमार का दादी तो उसके अंडर में चल रही है कि नहीं? दादी कुमार का। सो इज शी वर्किंग अंडर हर और नॉट? है बताओ। टेल मी। तो उसने कान पकड़ लिया कि नहीं? सो डिड शी होल्ड हर ईयर और नॉट? अरे कान में डायरेक्शन दिया जाता है ना, कान से सुना जाता है तब फिर उसको फॉलो किया जाता है। अरे डायरेक्शंस आर गिवन इन द ईयर्स aren't they? वन हियर्स इट थ्रू द ईयर्स एंड देन फॉलोज इट। तो कान भेज दिया। So, where was she sent? हर्जियों के देश में जाओ बार हो जाके। Student replies, Yes, to the country of the blacks. Go and die there. अरे हमने जिसको कान पकड़ के बाहर निकाल दिया है, तुमने उसको अपना सब कुछ बोल लिया। अरे the one whom we threw out by holding his ear, you made him your everything. गुस्सा नहीं आएगा? Won't they get angry? तुम तो लिख दिया कुमार का के डायरेक्शन पे चलती चलती है तो क्या हुई? टू द स्टूडेंट यू सर्टनली रोट शी फॉलोज द डायरेक्शंस ऑफ कुमार का, इफ शी फॉलोज इट व्हाट डिड शी बिकम? शेरनी हुई। डिड शी बिकम अ लायनेस? अरे बोलो, झूठ बोलो, सच बोलो, कुछ तो बोलो। अरे स्पीक अप, ईदर स्पीक अ लाई और द ट्रूथ, से एट लीस्ट समथिंग। है बिकारियों का? स्टूडेंट रिप्लाइड, Yes, of the vicious ones. भिखारियों के बीच में? Among the vicious ones. पवित्र? Pure. हाँ, पवित्र part. अच्छा। Pure part. अच्छा। आंखों से आंखें लड़ाती है कि नहीं? Does she exchange glances with people or not? बोलो। Tell me. क्या? What? हाँ, किसको याद करती है? Who does she remember? निराकार को। स्टूडेंट रिप्लाइज, द इनकॉर्पोरियल वन। साकार को याद करती है। स्टूडेंट रिप्लाइज, डज शी रिमेम्बर द कॉर्पोरियल वन? अब साकार को महाकाली याद करती है। द कॉर्पोरियल वन, डज महाकाली रिमेम्बर द कॉर्पोरियल वन? के वो याद करती है, वैष्णवी देवी जिसका टाइटल पड़ता है। और डज द वन हु इज गिवन द टाइटल ऑफ वैष्णवी देवी रिमेम्बर हिम? दोनों में से दोनों देवी है ना, अंतर क्या है? अमंग बोथ ऑफ देम, बोथ आर फीमेल डीटीज aren't they? व्हाट इज द डिफरेंस? एक को देह नहीं भूलती और एक को? वन इज अनेबल टू फॉरगेट द बॉडी एंड द अदर वन? हाँ वो निराकार शिव नहीं भूलता। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस शी इज अनेबल टू फॉरगेट दैट इनकॉर्पोरियल शिव। तो साकार में निराकार को अच्छे नहीं पहचान पा रहे। सो Even the great ones aren't able to recognize the incorporeal one within the corporeal one. जो रुद्रमाला के मणके हैं, वो ही नहीं पहचान पा रहे।
When the beats of the Rudra Mala themselves aren't able to recognize him, तो विजय माला का कहाँ से नंबर लग गया अभी? How did the number of the विजय माला come now? लग गया? Has their number come? विष्णु बन गए? Have they become विष्णु? अरे विष्णु वाला की आत्माएं जब निकलेंगी तो पहले तो वो कौन निकलेगी? अरे when the souls of the rosary of विष्णु emerge, who will emerge first of all? वो बकरी के रूप में आधीन रहने वाली वो ही निकलेगी ना? The one who remains dependent in the form of a goat herself will emerge, won't she? तब कहेंगे वैष्णवी शक्ति. Then she will be called वैष्णवी शक्ति. अभी पवित्र कहेंगे? Will she be called pure now? अभी कहेंगे पवित्र? Will she be called pure now? है? आँखें जो हैं जब तक संग का रंग ले रही हैं ढेरों का. Until the eyes are taking the color of the company of many. अरे काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए एक लिक काजल की लागी है पे लागे. अरे काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए एक लिक काजल की लागी है पे लागी है. मीनिंग हाउएवर मच क्लेवर अ पर्सन इज व्हेन ही गोज इनटू अ रूम फुल ऑफ सूट दैट इज काजल कलीरियम अ स्पेक ऑफ सूट विल अधेयर टू हिम फॉर श्योर. नहीं लगेगी? वोंट शी बी इन्फ्लुएंस्ड? संकरंग नहीं लगेगा? शिवबाबा हो गई? Won't she be colored by the company? Has she become Shiv Baba? Shiv कहेंगे? Will she be called Shiv? एक शिव आत्मा ऐसी है जो पति से पति तन में भी पार्ट बजाती है परंतु उसको संग का रंग नहीं लगता. There is just the soul of Shiv who plays a part even in the most sinful body. Still he isn't influenced by the color of the company. तो देखो यहाँ ये बात सीखेंगे क्या? So look, here you will learn this. What? कि शेर बकरी की तरह इकट्ठा रहना सीखना है. You have to learn to stay together like a lion and a goat. कौन सी युग में? In which age? पुरुषोत्तम संगम युग में ही सीखना है ना? You have to learn it in the elevated confluence age itself, haven't you? तो सीखना तो पड़ता है ना बच्ची बच्ची किसको का? So, you do have to learn it, daughter, don't you? Daughter, who was called that? ये सीखना तो पड़ता है ना बच्ची. You do have to learn this, daughter, don't you? तो अव्वल नंबर कौन सी बच्ची सीखेगी? So, which daughter will learn it in the first number? सीखेगी कि सीख लिया? Will she learn it or has she learnt it? सीखेगी. She will learn it. यहाँ अगर नहीं सीखेंगे. इफ यू डोंट लर्न इट हियर हर मनसा वाचा या कर्मणा में संकल्प आते रहेंगे लड़ते रहेंगे. एंड इफ थॉट्स कीप इमर्जिंग इन द माइंड स्पीच एंड एक्शंस इफ यू कंटिन्यू फाइटिंग. मनसा में भी संकल्प आते हैं कि नहीं विरोध के? डू थॉट्स ऑफ अपोजिशन ऑल्सो कम टू द माइंड और नॉट? नहीं आते. हाँ. डोंट दे? Yes. नहीं सीखेंगे लड़ते रहेंगे तो फिर क्या होगा? If you don't learn and keep fighting, what will happen? तो फिर सजाएं खाएंगे. You will receive punishments. है? और क्या करेंगे? What else will you do? है? फिर क्या होता है? Then what happens? सजा किसको मिलती है? Who receives punishment? है? सजा जो है मारपीट की सजा होती है ना? There is the punishment of receiving beatings, isn't there? वो किसको मिलती है? Who receives it? जानवरों को मिलती है या देवताओं को मिलती है? देवात्माओं को? नहीं. Do animals receive it or do deities, the deity souls receive it? No. वास्तव में तो जो इंसान होते हैं ना आत्मा की शान में रहने वाले इंसान. In reality, इंसान meaning human beings, इंसान who remain in the dignity of their soul, आत्मा की शान. उनको भी क्योंकि ब्राह्मण इंसान होते हैं कि नहीं? इवन दे इट इज बिकॉज आर ब्राह्मिन्स इंसान और नॉट? आत्मा की शान में रहेंगे ना ब्राह्मण. द ब्राह्मिन्स विल रिमेन इन द डिग्निटी ऑफ द सोल वोंट दे? उनको कहेंगे ब्राह्मण. दे विल बी कॉल्ड ब्राह्मिन्स. तो ब्राह्मणों को भी क्या कहेंगे? इंसान कहेंगे या नहीं कहेंगे? सो वॉट विल द ब्राह्मिन्स ऑल्सो बी कॉल्ड? विल दे बी कॉल्ड इंसान और नॉट? वो सजा खाएंगे. विल दे रिसीव पनिशमेंट्स? ब्राह्मण सजा खाएंगे. विल द ब्राह्मिन्स रिसीव पनिशमेंट्स? ब्राह्मण किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड अ ब्राह्मिन? है
ब्राह्मण कहे तो बुद्धि में ऊंचे से ऊंच कुरी का ब्राह्मण आना चाहिए या नीचे से नीच कुरी के ब्राह्मण आना चाहिए? When you say Brahmin, should the Brahmin of the highest category come to your intellect or should the Brahmins of the lowest category come to your intellect? एकदम बढ़िया दृष्टि रखो. Student replies, yes, you should have the best perspective. उच्च कोटि की दृष्टि. You should have a high class perspective. क्या? What? क्या याद आना चाहिए? What should you remember? हाँ, ब्राह्मण चोटी याद आ जाए. Student replies, yes, you should remember the Brahmin with a top knot, the highest Brahmin. तो सजाए नहीं खाएंगे अगर यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ये सीख लेंगे. So, you won't receive punishments if you learn this here in the elevated confluence age. क्या सीख लेंगे? What will you learn? शेर और बकरी कैसे इकट्ठे रहते हैं, एक घाट पानी पीते हैं. How the lion and the goat stay together and drink water at the same river bank. ये सीख लेंगे तो सजा नहीं खाएंगे. If you learn this, you won't receive punishments. तो अब पता लग गया ना. So, you have come to know now, haven't you? जानवर तो नहीं बनना है ना. You certainly don't have to become an animal, do you? Student replies, yes. अंदर भी ये बात बुद्धि में रहे. You should have this point inside you, in your intellect. है? के वो कौन सा जानवर है जिसमें सारे विकार होते हैं? Which animal has all the vices in him? और मदारी दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में. And a madari is shown in the path of bhakti. Madari means a person who trains and shows monkeys. है? किसको लेके फिरता है? Who does he carry around with him? बंदर बंदरियों को लेके फिरता है और एक सोटा हाथ में रहता है. He roams around with monkeys and female monkeys and he has a whip in his hand. है? और चंचलता की वो क्या करेगा? If they act naughty, what will he do? मदारी झाड़ से सोटा मारेगा. The madari will beat them soundly with the whip. तो बड़े से बड़ा बंदर पकड़ा कि नहीं शिव बाबा ने? So, did शिव बाबा catch the biggest monkey or not? हाँ, यादगार बनी हुई है. Student replies, yes, the yadgar has been made. तो बंदर भी तो जानवर है ना? The monkey is also an animal, isn't it? है? तो सजा खाना ये जानवरों का काम है. So, it is the job of animals to receive punishments. है इंसानों का काम सजा खाना नहीं और देवताओं का तो बिल्कुल है ही नहीं. It isn't the job of human beings to receive punishments and this isn't the job of the deities at all. क्योंकि सतयुग में तो कोई सजा थोड़ी ही मिलती है. It is because you certainly don't receive punishments in the golden age. सत्ययुग सत्य का युग है, वो तो कर्म भी वहाँ कैसे होते हैं? सत्ययुग द गोल्डन एज इज द एज ऑफ ट्रूथ. So, what kind of actions is performed there? सत्य कर्म होते हैं या झूठ कर्म होते हैं? नहीं. Are true actions performed or are false actions performed? No. सारे देवताओं के सत्य कर्म होते हैं तो सजा खाना ही नहीं है. All the deities perform true actions, so they don't receive punishments at all. सजा मिलती है? हैं? कहाँ? Where does one receive punishments? जंगल में जानवरों को सजा मिलती है, एक दूसरे को खाते रहते हैं पकड़ पकड़ के. एनिमल्स सफर पनिशमेंट इन द जंगल, दे सीज एंड ईट ईच अदर. हिंसा होती रहती है जंगलों में, जंगल में या जो बढ़िया बढ़िया बगीचे होते हैं उनमें जानवर होते हैं. इज देयर कॉन्स्टेंट वायलेंस इन द जंगल और आर देयर एनिमल्स इन द ब्यूटिफुल गार्डन्स? नहीं होते हैं. नहीं. नो. आर देयर? स्टूडेंट रिप्लाइज, नो. तो ये संसार रूपी जंगल है. सो दिस इज अ जंगल लाइक वर्ल्ड. है कैसा जंगल? व्हाट काइंड ऑफ अ जंगल? जिसकी यादगार महाभारत में दिखाई गई है. क्या नाम दिया? इट्स यादगार हैज बीन शोन इन द महाभारत. व्हाट नेम इज इट गिवन? खांडव. खांडव प्रस्थ. खांडव. खांडव प्रस्थ. The jungle, which the Pandavas transformed into a beautiful city named Indraprastha. It later became their capital. क्यों खांडव प्रस्थ नाम रखा? अरे
Why was it named Khandavprastha? क्यों रखा खांडवप्रस्थ नाम? Why did they name it Khandavprastha? क्योंकि सब धर्म खंड खंड में बटे हुए. It is because all the religions are divided into different lands. पहले दुनिया में एक ही धर्म खंड था, भारत धर्म खंड. At first, there was just one religious land in the world, the religious land of Bharat. और अब क्या हो गया? And what has happened now? अब सारी दुनिया सात धर्म खंडों में बड़े बड़ों में बंदी बटी हुई है. Now, the entire world is divided into seven large religious lands. और फिर छोटे छोटे खंड तो ढेर सारे द्वीप हैं, लंका जैसे. And as for small lands, there are many islands, like Lanka. है कि नहीं? Are there or not? Yes. तो ये जंगल है, संसार रूपी जंगल है, जिसमें जानवरों को सजा मिलती है. So, this is a jungle. The jungle-like world where animals suffer punishments. इसमें जंगल मिलते हैं, तो ये जानवर रहते हैं. There are jungles here in this world, and animals live in it. तो वो सजाएं खाते हैं. So, they suffer punishments. और फिर सजा है. And the punishments. वो गरुड़ पुराण में दिखाते हैं ना, एक प्रकार की सजाएं हैं कि अनेक प्रकार की सजाएं. It is mentioned in the Garuda Purana, isn't it? Is there one kind of punishment or are there many kinds of punishments? Garuda Purana means name of a Hindu mythological text. अनेक प्रकार की सजाएं हैं. There are many kinds of punishments. Yes. और सजाओं के साथ मौत भी होता है. And there is even death along with the punishments. बार बार मौत. There are deaths repeatedly. क्योंकि मौत का तो डर लोगों को बहुत रहता है ना. It is because people are very frightened of death, aren't they? इसी दुनिया में, नरक की दुनिया में है, ये जो कांटों का जंगल है ना. In this world, in the world of hell, this is a forest of thorns, isn't it? इसमें सबसे ज्यादा डर है. कौन से दुख का रहता है? Which sorrow is the most frightening here? कि भाई अब मौत आनी है. Brother, now death is nearing. हाँ, समझा ना? You understood, didn't you? और ये सजा. And this punishment? क्योंकि पाप कर्म भी तो याद आते हैं ना मौत के टाइम पर. It is because a person does remember his sinful actions at the time of death, doesn't he? है? आते हैं याद. He certainly remembers them. तो याद आ जाता है कि वो धर्मराज के दूत सोटा लेके आएंगे और धार धार पिटाई करते हुए ले जाएंगे. So they remember that the messengers of Dharmraj will come with a whip and take us along, beating us severely. तो फिर? Then? तो अनेक प्रकार की सजाएं, मौत भी होती है, समझा ना? So death is also included in the different kinds of punishments. You understood, didn't you? सतयुग में अगर समझो कि जानवर भी है. सपोज इवन इफ देर आर एनिमल्स इन द गोल्डन एज. क्यों? Why? क्योंकि सतयुग में जानवर भी तो होंगे ना. इट इज बिकॉज देर विल ऑल्सो बी एनिमल्स इन द गोल्डन एज, वोंट देर? नहीं होंगे. वोंट देर बी? हाँ होंगे. तो स्टूडेंट रिप्लाइज, यस दे विल सर्टेनली बी देर. बहुत पक्षी भी होंगे. There will be many birds as well. है? और ऐसे भांति भांति के पक्षी, भांति भांति के जानवर बहुत होंगे. And there will be such various kinds of birds and various kinds of animals in a large number. लेकिन वो लामजीब रहेंगे. But they will be disciplined. क्या? What? हाँ, उनकी भी अपनी आयु पूरी होगी कि अकाले मौत मरेंगे. Yes. Will they live their life fully or will they die an untimely death? उनकी भी अकाले मौत नहीं होती. Even they don't die an untimely death. वो भी पीर पूरी आयु करेंगे और फिर शरीर छोड़ेंगे. They will also complete their lifespan and then leave the body. और वो ही फिर दोबारा स्वर्ग में वही पूरी आयु प्राप्त करने के लिए फिर जन्म लेंगे. And then
they themselves will be born again in heaven to attain a complete age. कोई मरेंगे तो नहीं है? नहीं, इनको कोई मारेंगे नहीं. No one will kill them. किनको? Whom? जानवर हों या पक्षी हों. Whether they are animals or birds. यहाँ तो देखो, ये संसार रूपी जंगल में तो इस नारकीय दुनिया में तो कितना हिंसा करते हैं जानवरों की, पक्षियों की. Look here, they use so much violence against animals and birds here in this forest like world, in this world of hell. करते हैं कि नहीं? Do they or not? मुसलमान तो गांव-गांव में देख लो जाके, जहाँ जहाँ मस्जिदें बनी हुई हैं, है बंदूक लेकर के. Yes, go and see the Muslims in every village where mosques have been built. They carry a gun. और जहाँ एक तरफ हिंदू लोग जो है कबूतरों को दाना खिलाए रहे होंगे. And on one side, the Hindus will be seen feeding grains to pigeons. और ढेर के ढेर कबूतर दाना खा रहे होंगे. And numerous pigeons will be pecking at grains. और वो को दाना खिला के चला जाएगा और वो बंदूक लेके आएगा, क्या करेगा? And when the Hindu person leaves the place after feeding them, a Muslim will come with a gun and do what? पहले साहब कबूतरों को उड़ाएगा और जैसे ही ऊपर उड़ेंगे झुंड के झुंड, हे मारा. First, he will make all the pigeons fly, and as soon as flocks of pigeons fly, he will shoot. कौन सा गोली? What? A bullet. वो कौन सी गोली होती है जिसमें ढेर के ढेर छर्रे होते हैं? Which gun contains a series of bullets? नाम नहीं याद. हाँ. Don't you remember the name? Student replies. Yes. वो गोली मारी और उसमें सैकड़ों छर्रे निकले और ढेर के ढेर कबूतर मर करके नीचे गिर पड़ते. He shoots a bullet and a series of bullets come out of it and several pigeons die and fall down. और सब की टांगे पकड़ पकड़ के, पर पकड़ पकड़ के उठा के घर में ले जाते हैं, उनके पर उखाड़ते हैं, टांगे उखाड़ते हैं, चोंच तोड़ते हैं, पूंछ तोड़ते हैं. और Then they catch hold of all of them with their legs and wings and take them to their house. They pluck their feathers, cut their legs, break their beak, cut their tail and उसकी क्या? What? और इसकी खाल निकाल करके और जो मांस मांस है फिर खाते हैं भून के या उबाल के. They skin them and eat the flesh after roasting it or boiling it. तो देखो स्वर्ग में ऐसा होगा क्या? So look, will this happen in heaven? है? ऐसे ऐसे हिंसक वहाँ होंगे जानवर? Will there be such violent animals there? बिल्कुल नहीं होंगे. Not at all. कभी भी इनको नहीं मारेंगे, न पक्षियों को और न जानवरों. They will never kill them, neither birds nor animals. वो सुखदाई होंगे वहाँ, तब नहीं मारेंगे या दुखदाई होंगे. Will they not kill them because they are सुखदाई और दुखदाई? सुखदाई means the ones who give happiness. दुखदाई means the ones who give sorrow. सुखदाई होंगे ना? They will be सुखदाई, won't they? Yes. तो वहाँ कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं है. So, there isn't any kind of violence there. और ऐसे भी शायद न हो जो हम चले और नीचे गिर के मर जावे. And probably, there won't be even such creatures that we walk on them and they fall down and die. क्या? नहीं. What? No. वो देखो, जो नीचे गिरेंगे ठोकर खाके, तो उनको भी दुख तो होता है ना? Look, those who fall down after receiving a blow, they too certainly feel sorrowful, don't they? हैं? नहीं होता है? Don't they? दुख भी उनको होता है. They also feel sorrowful. क्योंकि नीचे गिरेंगे तो दुख. It is because if they fall, they experience sorrow. और ऊपर उठते हैं तो सुख होता है. And if they rise high, they feel happy. पक्षी ऊपर उड़ते हैं तो उन्हें आनंद आता होगा कि नहीं? हाँ. Will the birds feel happy when they fly above or not? Yes. तो देखो, उनको भी दुख नहीं होता है. किनको? So look, even they don't experience sorrow. Who? जानवरों को और
पक्षियों को, द एनिमल्स एज वेल एज द बर्ड्स। तो शायद सो परहैप्स वहाँ तो हर रास्ते में चलते फिरते, वाइल वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड ऑन द पाथ देयर, पाँव के नीचे कौन आ जाता है, वॉट कम्स अंडर द फीट, चींटियां आ जाती है ना, कीड़ियां आ जाती है ना, एंट्स कम डोंट दे, स्मॉल इंसेक्ट्स कम डोंट दे, तो वहाँ होंगी, सो विल दे बी देयर। हाँ, स्टूडेंट रिप्लाइज यस, वहाँ पाँव के नीचे आने वाली कीड़ियां भी नहीं होंगी, देयर वोंट बी इवन दो स्मॉल इंसेक्ट्स दैट कम अंडर द फीट देयर। समझा ना, यू अंडरस्टूड डिडंट यू, ऐसे कोई चीज नहीं होगी है जिनको दुख मिले, देयर वोंट बी एनी सच थिंग दैट वुड एक्सपीरियंस सोरो। क्या, वॉट, कीड़ी का तो कैसा पार्ट है देखो, लुक वॉट काइंड ऑफ अ पार्ट द स्मॉल इंसेक्ट्स हैव, है जानवर हो मनुष्य हो पक्षी हो चलते हैं तो कीड़ियां उनके नीचे पांव के नीचे आ जाती है कि नहीं, बीट एनिमल्स ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स वेन दे वॉक डू द स्मॉल इंसेक्ट्स कम अंडर देयर फीट और नॉट, तो मरेंगे कि नहीं, सो विल दे डाई और नॉट, मरती है, दे डाई। तो ऐसा कीड़ियों का पार्ट बजाने वाला भी कोई होता है बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया की शूटिंग में, सो इज देयर समवन हु प्लेज अ पार्ट ऑफ इवन सच स्मॉल इंसेक्ट्स इन द अनलिमिटेड शूटिंग ऑफ द ब्राह्मिन वर्ल्ड, कौन होता है, हु इज इट, जिसके पाँव के नीचे आ जाए कीड़ी की तरह, है और जबरन बेहद की मौत मरना पड़े, ही कम्स अंडर द फीट लाइक अ स्मॉल इंसेक्ट एंड हैज टू फोर्सिबली डाई एन अनलिमिटेड डेथ, कोई होता है याद आया कि नहीं, इतना इज देयर समवन लाइक दिस, डिड यू रिमेम्बर और नॉट, कौन, हु, एक भी नहीं लिख पा रहा है, नॉट इवन वन इज एबल टू राइट द आंसर, अरे जल्दी लिखो, अरे राइट इट क्विकली, प्रजापिता, स्टूडेंट रिप्लाइड प्रजापिता, उसका प्रजापिता का यादगार है शास्त्र, इज इट द यादगार ऑफ प्रजापिता इन द स्क्रिप्चर्स, हैं दासदा दासदासी, अरे नहीं, स्टूडेंट कमेंट्स सर्वेंट्स एंड मेड्स, अरे नो, दासदासी भी बहुत ऊंची कोटि के होते हैं, इवन सर्वेंट्स एंड मेड्स आर ऑफ अ वेरी हाई कैटेगरी, वो कीड़ियों जैसे थोड़े ही होते हैं, दे आंट लाइक द स्मॉल इंसेक्ट्स, नहीं, महाकाली के नीचे शंकर जी को दिखाते हैं कि नहीं, नो, इज शंकर जी शोन अंडर द फीट ऑफ महाकाली और नॉट, पांव के नीचे आ जाता है ना, ही कम्स अंडर हर फीट डजंट ही, माने कोई कीमत नहीं रही, इट मीन्स ही हैज नो वैल्यू, कीमत रही, इज देयर एनी वैल्यू, कोई कीमत नहीं रही, देयर इजंट एनी वैल्यू, अब देखो कीड़ी की तरह उसने मसल दिया पांव रखकर, नाउ लुक शी क्रश्ड हिम लाइक अ स्मॉल इंसेक्ट बाय प्लेसिंग हर फीट ऑन हिम, फिर उसका कीड़ी का संसार कुछ रहता है, देन इज द वर्ल्ड ऑफ द स्मॉल इंसेक्ट लेफ्ट एनी मोर, कीड़ी ही पांव के नीचे मसल दी गई तो उसका संसार बचा, इफ द स्मॉल इंसेक्ट वॉज क्रश्ड अंडर द फीट वॉज इट्स वर्ल्ड लेफ्ट एनी मोर, नहीं बचा ना, इट वॉजेंट वॉज इट, सारा संसार महाकाली ने क्या किया, खपा खप मार दिया कि रह गया, वॉट डिड महाकाली डू टू द एंटायर वर्ल्ड, डिड शी किल एवरी वन और डिड एनी वन सर्वाइव, सब खप, स्टूडेंट रिप्लाइज यस एवरी वन इज फिनिश्ड, तो देखो वहाँ नई दुनिया में कोई ऐसा दुख नहीं मिलेगा, सो लुक यू वोंट एक्सपीरियंस एनी सच सोरो देयर इन द न्यू वर्ल्ड, मिलेगा, विल यू, कि कीड़ियों की तरह पाँव के नीचे आ जाए और मसल दिया जाए, दैट यू कम अंडर द फीट एंड गेट क्रश्ड लाइक स्मॉल इंसेक्ट्स, क्योंकि जीव प्राणी को भी दुख तो मिलता है ना, इट इज बिकॉज क्रीचर्स लिविंग बींग्स ऑल्सो एक्सपीरियंस सोरो डोंट दे, जो भी जीव होते बीट एनी क्रीचर है, और जीवों में ऑलराउंड पार्टधारी कोई होता है, एंड इज देयर एनी ऑलराउंड एक्टर अमंग द क्रीचर्स, है जो 84 लाख योनियों का भी पार्ट बजाता है, जो शास्त्रों में लिख दिया मनुष्य आत्मा
कितने जन्म लेती है? Who also plays the part of the 8.4 million species? It is mentioned in the scriptures. How many births does a human soul have? 84 लाख जन्म लेती। It has 8.4 million births. तो ऐसी कोई आत्मा है, उन्होंने तो आत्मा से परमात्मा कर दिया। So is there any soul like this? They have said the soul is equal to the supreme soul. माने जितनी भी आत्माएं हैं वो सब परमात्मा मिसाल 84 लाख योनियां लेती है क्योंकि आत्मा से परमात्मा। इट मीन्स ऑल द सोल्स हैव बर्थ इन द 8.4 मिलियन स्पीशीज लाइक द सुप्रीम सोल बिकॉज द सोल इज इक्वल टू द सुप्रीम सोल। अब ऐसे हो सकता है? नहीं। नाउ इज दिस पॉसिबल? नो। ये तो एक ही आत्मा का गायन है कि वो इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है। इट इज द प्रेज ऑफ जस्ट वन सोल दैट ही इज द सीड ऑफ दिस ट्री लाइक वर्ल्ड। तो बीज में तो सबका पार्ट भरा हुआ होगा कि नहीं? सो विल द सीड कंटेन द पार्ट ऑफ एवरीवन और नॉट? अरे एक वृक्ष के, अरे ऑफ अ ट्री, मान लो बरगद का वृक्ष है बहुत बड़ा। सपोज देयर इज अ ह्यूज बेनियन ट्री और उसमें छोटे बड़े ढेर सारे पत्ते हैं। And there are many small and big leaves on it. करोड़ों पत्ते हैं कि नहीं? Are there millions of leaves or not? तो वो पत्ते जो है वो सब एक जैसे होंगे? So, will all those leaves be alike? एक जैसा पार्ट तो नहीं बजाने वाले होंगे? They certainly won't play the same kind of part. तो वो तो जड़ वृक्ष है, जड़ पत्ते हैं। So, that in fact is an inert tree and inert leaves. और ये है प्राणी, इस मनुष्य सृष्टि में मुख्य प्राणी है, मनुष्य सृष्टि के 500-700 करोड़ प्राणी। एंड दीज आर लिविंग बींग्स, द मेन लिविंग बींग्स इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड आर 5-7 बिलियन। तो उनमें नंबर वार पार्ट बजाने वाले हैं ना? सो दे आर दोज हु प्ले अ नंबर वाइज पार्ट, aren't they? हाँ, वो कीड़ियों जैसे पार्ट बजाने वाले भी हैं। यस देर आर ऑल्सो दोज who play a part like small insects. है? हाँ। Student replies, yes. तो जब शंकर जी नीचे आ जाएंगे पांव के नीचे कीड़े मकोड़ा की तरह। So when शंकर जी comes under the feet like insects and spiders, तो उनके सर पर रखे हुए जो अष्टदेव हैं वो बच जाएंगे? Will the अष्टदेव who are placed on his head survive? अष्टदेव, the 8 deities. है? उनकी मुंडी कुचलेगी कि नहीं कुचलेगी? Will their heads be crushed or not? अरे बता। अरे tell me। उनकी भी मुंडी कुचल जाएगी। Even their heads will be crushed। तो देखो जो महाकाली के भगत होते हैं ना, या जो भी देवियों के भगत हैं। So look, the devotees of Mahakali or the devotees of the female deities, Devi। देवी भागवत की किताब बनाई उन्होंने। They have written a book named Devi Bhagwat. और उसमें देवी की कितनी महिमा कर दी। And have praised the Devi a lot in it. पता है? हाँ। Do you know? Yes. तू ही स्थापनाकारी ब्रह्मा का पार्ट बजाती। You alone play the part of the creator Brahma. तू ही विनाशकारिणी शंकर का पार्ट बजाती है। You alone play the part of the destroyer Shankar. तू ही विष्णु का पार्ट बजाती है। You alone play the part of Vishnu. ये तो निमित्त मात्र नाम रख दिए हैं। These names which are kept are nominal. लेकिन पार्ट तो असल में तू ही बजाती है, ऐसे ऐसे लिख दिए। But it is you alone who play that part in reality. They have written such things. समझा? Did you understand? कितनी महिमा कर दी। They have praised her so much. तो देखो महाकाली का पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है। So look, the soul who plays the part of Mahakali, है? वो ऑलराउंड पार्ट बजाती है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शरीर से। Does she play an all-round part with the body on this stage-like world? बजाती है। Does she? अरे बताओ। अरे tell me। नहीं बजाती। She doesn't। और वो जो दिखाई जाती है देवी के रूप में, गौरी के रूप में और काली के रूप में। एंड द वन हु इज शोन एज देवी इन द फॉर्म ऑफ गौरी एंड काली, गौरी मीन्स द फेयर फॉर्म ऑफ पार्वती, काली मीन्स द डार्क एंड फिरोशियस फॉर्म ऑफ पार्वती।
और दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। एंड व्हेन द संस्कार्स ऑफ बोथ ऑफ देम कंबाइन एंड बिकम वन, तो भी ऑलराउंड पार्ट बजाती है क्या? डज शी प्ले एन ऑलराउंड पार्ट इवन देन? नहीं बजाती है। शी डजंट। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्टधारी है वही तो फिर अविनाशी हुआ ना। द ऑलराउंड एक्टर ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड अलोन इज इम्पेरिशेबल, इजंट ही? बाकी सब? ऑल द रेस्ट। बाकी सब का विनाश होगा कि रह जाएंगे? विल द रेस्ट ऑफ देम पेरिश और विल दे बी लेफ्ट? हाँ, ये जो सब दिखाया हुआ है कि छाती पे पांव रख दिया शंकर जी के। यस, ऑल दिस दैट इज शोन, महाकाली प्लेस्ड हर फुट ऑन शंकर जीज चेस्ट। ये बताया है कि ये बेहद की मृत्यु पाने के लिए ये भी जरूरी है। इट वॉज एक्सप्लेन दैट इवन दिस इज नेसेसरी टू डाई एन अनलिमिटेड डेथ। क्या? वॉट? जब तक पूरा देह अहंकार खत्म न हो, नष्ट न हो, है? Until the bodily arrogance is completely destroyed, तो पूरा आत्मा अभिमान 100% आएगा? Will you become 100% soul conscious? है? नहीं आएगा। He won't. तो बताया, इस दुनिया में जो संसार रूपी जंगल है। So it was said, the forest like world in this world. वो जीवों को प्राणियों को दुख तो मिलता है। All the creatures, living beings do experience sorrow. जो भी जीव मात्र है। All the creatures that exist. अकेले उस ऑलराउंड पार्टधारी की बात नहीं है। It isn't about that all-round actor alone. सबको अभी पुरुषार्थी जीवन में भी दुख सुख दोनों भोग रहे हैं कि नहीं? Is everyone experiencing both sorrow and happiness in their purusharthi life now or not? किसी को दुख ज्यादा, किसी को सुख ज्यादा। Some experience more sorrow and some experience more happiness. अब ये तो बाबा के ज्ञान उठाने वाले बच्चों के ऊपर है। Now this depends on the children who grasp Baba's knowledge. ज्यादा ज्ञान उठाते हैं तो ज्ञान से होता है सुख महसूस। If they grasp more knowledge, they experience happiness through knowledge. और नहीं उठाते हैं, दुनियादारी के चक्कर में रहती है बुद्धि, तो दुख है या सुख? And if they don't grasp the knowledge, if the intellect is engaged in the worldly affairs, do they experience sorrow or happiness? दुख। They experience sorrow. बाकी हैं जो इस संसार रूपी जंगल में जो भी प्राणी मात्र, वो दुखी तो सब होते हैं। As for the rest, all the creatures that exist in this forest-like world certainly become sorrowful. तो वहाँ जो स्वर्ग की दुनिया है, हैं, सत्युगी त्रेतायुगी दुनिया है, वहाँ तो दुख की बात है ही नहीं। So there, in the world of heaven, in the golden and silver age world, there isn't any question of sorrow at all. है, तो जरूर वहाँ की रचना भी जो बाकी है, इतना तो दुखी इतना सुखी तो नहीं होगी ना। So certainly, the creation that exists there won't be so sorrowful or so happy, will they? कितना? How sorrowful or happy? जितना मनुष्य से देवता बनकर के देवताएं सुख भोगते हैं। As much happiness the deities experience after becoming a deity from a human being. और नरक में जितना दुख भोगते हैं। And as much sorrow they experience in hell. उतना वहाँ देव वो पशु पक्षियों की आत्माएं सुख और दुख भोगेंगी। Will the souls of animals and birds experience that much happiness and sorrow there? है? उतना सुख नहीं भोगेंगी, उतना दुख नहीं भोगेंगी। They will neither experience so much happiness nor so much sorrow. क्यों? Why? कारण? What is the reason? इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है और इंद्रियों से ही दुख। Happiness as well as sorrow is experienced only through the इंद्रियां। इंद्रियां ज्यादा होंगी तो दुख भी ज्यादा और सुख भी ज्यादा। If one has more इंद्रियां, he will experience more sorrow as well as more happiness. और इंद्रियां कम होंगी तो उन इंद्रियों का सुख भी कम और दुख भी। And if one has less इंद्रियां, he will experience less happiness as well as less sorrow through those इंद्रियां। इसलिए जैन संप्रदाय वाले तो बहुत अच्छी तरह जो ऋषि मुनि होते हैं वो जानते हैं कि हाँ। This is why
द सेजेस एंड सेंट्स ऑफ द जैन कम्युनिटी नो वेरी वेल दैट यस एक संगी जीव भी होते हैं, माने एक इंद्रिय वाले. देर आर इवन सच क्रीचर्स हु आर एक संगी मीनिंग दोज विथ वन इंद्रिय. है तो वो कम दुख भोगते हैं और कम सुख भोगते हैं. सो दे एक्सपीरियंस लेस सोरो एज वेल एज लेस हैप्पीनेस. और फिर मनुष्य भी होते हैं. एंड देन देर आर ह्यूमन बींग्स एज वेल. उनमें सारी कर्म इंद्रियां भी होती है और सारी ज्ञान इंद्रियां भी होती है. दे हैव ऑल द कर्मेंद्रियां एज वेल एज ऑल द ज्ञान इंद्रियां. तो दुख भी जास्ती और सुख भी जास्ती. सो दे एक्सपीरियंस मोर सोरो एज वेल एज मोर हैप्पीनेस. तो देखो ये दुनिया की जो भी 84 लाख योनियां हैं गाई हुई, वो सभी 84 लाख योनियां वहाँ नई दुनिया में नहीं होंगी. सो लुक ऑल द 8.4 मिलियन स्पीशीज दैट आर मेंशन इन द वर्ल्ड नॉट ऑल ऑफ देम विल एग्जिस्ट देयर इन द न्यू वर्ल्ड. होंगी. विल दे एग्जिस्ट? हाँ. स्टूडेंट रिप्लाइज यस. 84 जन्म है, 84 लाख योनियां भी है. देर आर 84 बर्थ्स सो देर आर 8.4 मिलियन स्पीशीज एज वेल. क्या? वॉट? इसका कुछ है अनुपात हुआ कि नहीं हुआ? इज देर एनी रेशियो ऑफ इट और नॉट? हाँ, तो 84 जन्मों में पहले जन्म में यस इन द वेरी फर्स्ट बर्थ फ्रॉम द 84 बर्थ्स कम योनियां होंगी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योनियां होंगी. विल देर बी फ्यू स्पीशीज द मोस्ट एलिवेटेड स्पीशीज या नीचे योनियां भी आ जाएंगी पहले जन्म में? और विल इवन द लोली स्पीशीज कम इन द फर्स्ट बर्थ? नहीं आएंगी. दे वोंट कम. तो 84 लाख योनियां वहाँ हो ही नहीं सकती. सो देर कांट बी 8.4 मिलियन स्पीशीज देर एट ऑल. अगर वहीं 84 लाख योनियां हो जाए, इफ 8.4 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट देर इट सेल्फ, तो कलयुग के अंत में बहुत दुख होने भोगने वाली कहाँ से आएंगी वो योनियां? वेर वुड दीज स्पीशीज दैट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ सोरो कम फ्रॉम बाय द एंड ऑफ द आयरन एज? आएंगी. विल दे कम? नहीं आएंगी. दे वोंट. तो ये तो जो 84 लाख योनियां हैं सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक वृद्धि को पाती रहती है. सो दीज 8.4 मिलियन स्पीशीज कीप इंक्रीजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड टिल द एंड. क्या ऐसे नहीं कि आदि में ही आ जाती हैं? वॉट इट इजंट दैट दे कम इन द बिगिनिंग इट सेल्फ. अंत तक वृद्धि को पाती रहती है. दे कीप इंक्रीजिंग टिल द एंड. तो पूरी 84 लाख योनियां कब होंगी? सो व्हेन विल देयर बी ऑल द 8.4 मिलियन स्पीशीज? कौन से जन्म में होंगी? इन विच बर्थ विल दे एग्जिस्ट? 84 लाख योनियां होंगी 84वें जन्म के बिल्कुल अंत में, जब 500-700 करोड़ भी आत्माएं अपना शरीर इस दुनिया से छोड़ रही होंगी. द 8.4 मिलियन स्पीशीज विल इंडीड एग्जिस्ट एट द वेरी एंड ऑफ द 84th बर्थ व्हेन द 5 or 7 billion सोल विल बी लीविंग हिज बॉडी फ्रॉम दिस वर्ल्ड और आत्मलोक में जा रही होंगी. एंड विल बी गोइंग टू द सोल वर्ल्ड. उस समय का गायन है 84 लाख योनियां. द 8.4 मिलियन स्पीशीज आर सेट टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट टाइम. वृद्धि को पाते रहते. दे कीप इंक्रीजिंग. कलयुग के अंत तक वृद्धि को पाते. दे कीप इंक्रीजिंग टिल द एंड ऑफ द आयरन एज. वाकई वहाँ नई दुनिया में कोई क्रिश्चियंस रहते हैं क्या? एज फॉर द रेस्ट डू द क्रिश्चियंस एग्जिस्ट देयर इन द न्यू वर्ल्ड? ये इस्लामी बौद्धी ये फलाने फलाने रहते हैं धर्म वाले क्या? डू दीज पीपल ऑफ इस्लाम दीज बुद्धिस्ट एंड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एग्जिस्ट देयर? नो. नहीं रहते हैं ना. दे डोंट एग्जिस्ट डू दे? ऐसी नीच धारणाओं वाले वहाँ रह न सके. दोज विद सच लोली धारणा कांट एग्जिस्ट देयर. न कामी इस्लामी, न क्रोधी क्रिश्चियंस, न लोभी मुस्लिम, न मोही आर्य समाजी. नॉट द लस्टफुल पीपल ऑफ इस्लाम नीदर द एंग्री क्रिश्चियंस नॉर द ग्रीडी मुस्लिम्स नॉर द आर्य समाजीज विद अटैचमेंट विल एग्जिस्ट देयर.
किसका का मोह? हुज अटैचमेंट? मोह अटैचमेंट भाई, सब हमारी प्रजा बन जाए, सारी दुनिया हमारी प्रजा बन जाए, मोह लगा पड़ा है। ब्रदर, एवरीवन शुड बिकम आर सब्जेक्ट, द एंटायर वर्ल्ड शुड बिकम आर सब्जेक्ट, दे हैव अटैचमेंट। नहीं, वहाँ रहते ही नहीं है। नो, दे डोंट एग्जिस्ट देयर एट ऑल। वो तो जब पीछे पुरानी दुनिया होती है ना, सुख भोगते भोगते। लेटर ऑन व्हेन द वर्ल्ड बिकम्स ओल्ड बाय एंजॉयिंग प्लेजर ग्रेजुअली। है, इंद्रियों से सुख भोगेंगे तो नीचे गिरेंगे कि नहीं? विल यू फॉल और नॉट बाय एंजॉयिंग प्लेजर थ्रू द इंद्रिया? जास्ती सुख भोगेंगे तो जास्ती नीचे गिरेंगे। इफ यू एंजॉय मोर प्लेजर यू विल एक्सपीरियंस मोर डाउनफॉल। और धीरे धीरे सुख भोगेंगे तो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। एंड इफ यू एंजॉय प्लेजर ग्रेजुअली यू विल फॉल ग्रेजुअली। आत्मिक स्थिति में रह के सुख भोगेंगे। इफ यू एंजॉय प्लेजर बींग स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज तो धीरे धीरे गिरेंगे। यू विल फॉल ग्रेजुअली। और देहभान में? एंड बींग इन बॉडी कॉन्शियसनेस। देहभान में रह करके सुख भोगेंगे तो बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। इफ यू एंजॉय प्लेजर बींग इन बॉडी कॉन्शियसनेस यू विल एक्सपीरियंस अ रैपिड डाउनफॉल। तो पीछे ऐसे होता है कि देहभान बढ़ता जाता है, है? इस पुरानी दुनिया में या घटता जाता है। सो दिस हैपेंस लेटर, डज बॉडी कॉन्शियसनेस गो ऑन इंक्रीजिंग इन दिस ओल्ड वर्ल्ड और डज इट गो ऑन डिक्रीजिंग? क्या होता है? बढ़ता है। वॉट हैपन्स? इट इंक्रीजेस। क्या होता है? वॉट हैपन्स देन? बीमारियां भी बहुत बढ़ती हैं। अ लॉट ऑफ डिजीजेस इंक्रीज एज वेल। अनेक प्रकार के इंसेक्ट बढ़ेंगे। इफ मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स इंक्रीज। कीटाणु होते हैं ना बीमारियों के। देर आर जर्म्स ऑफ डिजीजेस aren't there? अरे कीटाणु जो है वो प्राणी नहीं है। अरे aren't germs लिविंग क्रीचर्स? उनमें प्राण नहीं होता। डोंट दे हैव लाइफ? उनमें भी प्राण होते हैं, हरकत करते हैं कि नहीं? दे टू हैव लाइफ। डू दे मेक मूवमेंट्स और नॉट? जो डॉक्टर लोग अपने यंत्रों से शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं, जैसे टीबी के कीटाणु हैं। द डॉक्टर्स सी द जर्म्स दैट आर इन द बॉडी थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल देर आर द जर्म्स ऑफ टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, है ना? Aren't there? बुखार के, मलेरिया बुखार के कीटाणु होते हैं ना? हाँ। देर आर द जर्म्स ऑफ फीवर, ऑफ मलेरिया फीवर, Aren't there? Yes. कोरोना? स्टूडेंट कमेंटेड, कोरोना? हाँ, कोरोना जैसी बीमारी अब निकली। Yes. अ डिजीज लाइक कोरोना हैज इमर्ज्ड नाउ। उसके भी कीटाणु होंगे ना? दैट टू मस्ट बी हैविंग जर्म्स, मजंट इट? तो जैसे अब ये तो बीमारी नहीं निकली ना? सो जस्ट एज नाउ दिस डिजीज हैज न्यूली इमर्ज्ड, हैजंट इट? पहले तो नहीं थी ना? इट वॉजंट बिफोर, वॉज इट? अभी ऐसी भयंकर बीमारी निकली है कि लोग बड़े परेशान हो गए। Now such a dangerous disease has emerged that the people are very much distressed. तो ये ऐसी ऐसी बीमारियां अब जो बाद की दुनिया है तमोप्रधान बनती है तो उसमें बहुत बढ़ जाती है। So such diseases increase a lot in the world that comes later, the world which becomes tamopradhan. बाकी नई दुनिया में तो इतनी बीमारियां भी नहीं होती हैं। क्यों? As for the rest, there aren't so many diseases in the new world. Why? क्योंकि इस तरह के नीच प्राणी बहुत दुखदायी वो होते ही नहीं है। It is because such lowly creatures that give a lot of sorrow don't exist there at all. होते हैं? Do they exist? वहाँ नहीं होते। They don't exist there. देखो ये अनेक प्रकार की 84 लाख योनियां कैसे कैसे इमर्ज होती रहती हैं। Look how these various kinds of 8.4 million species keep emerging. और अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर देती। And they give rise to various kinds of diseases. नहीं? हाँ। No. Yes. और बीमारी भी थोड़ी थोड़ी नहीं पैदा करती है। And they don't give rise to just a few diseases. ढेर के ढेर लोगों को ले जाती हैं, मार करके शरीर का मृत्यु कराई देती है।
Do they cause death of numerous people? Do they kill their body? के थोड़े बहुत का? Or do they cause death of only a few? अरे मौत बीमारियों में बढ़ती जाती है, भयंकर भयंकर बीमारियों में कि कम होती जाती है। अरे does the death rate increase because of diseases, critical diseases, or does it decrease? बढ़ती है। It keeps increasing. तो थोड़ी थोड़ी बीमारियों का सवाल ही नहीं। So there isn't the question of even a few diseases. क्या? What? कहाँ? Where? स्वर्ग में है? थोड़ी बीमारियों का भी सवाल नहीं। There isn't the question of even a few diseases in heaven. वहाँ कोई बीमारी? There isn't any disease there. कोई ऐसे दुखदाई जीव प्राणी है नीचते नीच कोटि के या ऊंचते ऊंच कोटि के वहाँ होते ही नहीं। There aren't any kind of sorrow giving creatures or living beings at all. Be it of the lowest categories or the highest categories. जैसे प्लेग है। For example, there is the disease plague. चूहों के द्वारा प्लेग फैलती है ना? Plague spreads through rats, doesn't it? वो भी तो कीटाणु होते हैं ना? They are also germs, aren't they? देखो हिस्ट्री में तो पता है लोगों को। Yes, look, people know in history. प्लेग फैली तो कितने मरने लगे लोग? When plague spread, so many people started dying. है? ढेर के ढेर लोग मरने लगे। People started dying in large numbers. तो वहाँ कोई प्लेग वगैरह थोड़े ही थी, आगे नई दुनिया में थी। So there weren't diseases like plague etc. there earlier in the new world. Were there? नहीं थी। There weren't. नई बीमारी प्लेग की निकली। A new disease, plague emerged. है? और फिर बाद में ये कॉलरा निकला। Later this cholera emerged. क्या नाम दे दिया? What was it named? काल रहा। काल रहा, meaning death prevailed. है जिसको हो जाएगा तो समझो काल आ गया। The one who suffers from it, consider as if death has come. ये सब नई नई बीमारियाँ। All these are new diseases. अब देखो ये कैंसर निकला। Now see, this cancer has emerged. क्या? What? उसका जो फैलता है तो कौन से कीड़े की तरह फैलता है? When it spreads like which insect? कीड़ा मकोड़ा, उसका नाम क्या है? What is the name of that insect or spider? अरे कोई कीड़ा मकोड़ा होता है ना, इधर भी टांगे फैली हैं, इधर भी फैली हैं, चारों तरफ टांगे हैं, हाथ जैसे फैले हुए। अरे there is some insect or spider whose legs are spread here and there. Its legs and hands are spread in all directions. चारों तरफ से पकड़ता है कि नहीं? Does it catch from all sides or not? हाँ, कैंसर की तरह। Yes, just like cancer. ये बीमारियाँ ये बहुत बढ़ती जाती हैं। These diseases go on spreading a lot. जैसे जैसे just as है नरक की ये नारकी ये दुनिया जो नर बनाता है उसमें तो बहुत फैलती है। They spread a lot in this hellish world, the world which is created by man, nar. और देखो नई दुनिया में तो वहाँ कुछ भी नहीं होता है। And look, nothing exists there in the new world. एक भी बीमारी नहीं होती है। There isn't even a single disease there. ओम शांति। ओम शांति।